बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जो अब तक चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं सभी की सभी 70 सीटों को लेकर, उसमें लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी भी यहां पर कुछ सीटों को लेकर आगे चल रही है। जहां पर आप 57 सीटों पर आगे है तो बीजेपी 13 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो 53% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 39% वोट यहां पर बीजेपी को मिले हैं। तो अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस अभी तक कहीं पर नजर नहीं आई है। शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं एक दो जगह नजर आई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से यहां पर कह सकते हैं जो कांग्रेस का वजूद है वो भी दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह से दावे कर रही थी, 70 सीटों की बात यहां पर की थी कि 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 53 सीटें जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा मिला है उसके मुताबिक 53% जो सीटें हैं उनमें यहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो चुनाव आयोग ने कुछ सीटों को लेकर ये पहले एक बार जारी किए गए थे आंकड़े, लेकिन अब सभी सीटों को लेकर यहां पर आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।